आज सुनवाई थी हाईकोर्ट में, क्या आदेश हुए हैं? सर जी, दी ऑनरेबल कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू ओपन दी बैरिकेडिंग विद इन 7 डेज. कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है जी. हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि 10 फरवरी 2024 से ये बैरिकेडिंग है जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जो ये फार्मर्स हैं ये पंजाब साइड पे बैठे हैं. आज की डेट में जो इनकी संख्या है वो 400 से 500 है दिन में और रात में. तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस ईयरमार्क कर दी गई हैं पंजाब द्वारा भी, हरियाणा द्वारा भी. तो हरेक का राइट है, वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस कर सकता है, लेकिन हाईवेज को बंद नहीं किया जा सकता. तो फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट के आगे रखा है जी कि ये पंजाब की तरफ बैठे हैं, पंजाब इनको, पंजाब गवर्नमेंट इनको वहां से एक डेजिग्नेटेड प्लेस के लिए उठाए, हम साथ की साथ ही अपनी बैरिकेडिंग हटा देंगे, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन करना है. तो ऑनरेबल कोर्ट ने पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार दोनों को ही निर्देश दिए हैं. हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप 7 दिन में ये बैरिकेडिंग हटाओगे, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आपको परमिशन है. वट एवर प्रिवेंटिव एक्शंस यू वॉन्ट टू टेक आप ले सकते हो. ऐसी ही सिमिलर डायरेक्शंस पंजाब गवर्नमेंट को दी गई है कि वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और अगर उनकी तरफ भी कोई बैरिकेडिंग है उसको भी हटाएंगे. और किसानों को हटाने के भी आदेश दिए गए हैं जो बैठे हुए. हाँ जी, हाँ जी, वो लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज देखो अगर किसान बैठे ही रहेंगे, हम अगर बैरिकेडिंग हटा भी देते हैं तो ब्लॉकेज तो हटेगी नहीं. सो ऑर्डर्स हैं कि हाईवे को ओपन करना है. और दूसरा, हमने अपने 3 ऑफिसर्स का नाम दिया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए. लास्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने हमें बोला था कि आप अपने सीनियर ऑफिसर्स के 3 ऑफिसर्स का पैनल दीजिए, जिसमें से हम एक ऑफिसर को SIT का हेड लगाएंगे जो शुभकरण केस में इन्वेस्टिगेट को हेड करेंगे. तो उसमें हमने 3 ऑफिसर्स का नाम दिया, जिसमें से हमारे मिस्टर सतीश बालन, कमिश्नर ऑफ पुलिस झज्जर, उनको SIT हेड नॉमिनेट कर दिया. टू बॉर्डर को लेकर आज सुनवाई थी हाईकोर्ट में, क्या आदेश हुए हैं? सर जी, दी ऑनरेबल कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू ओपन दी बैरिकेडिंग विद इन 7 डेज. कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है जी. हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि 10 फरवरी 2024 से ये बैरिकेडिंग है जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जो ये फार्मर्स हैं ये पंजाब साइड पे बैठे हैं. आज की डेट में जो इनकी संख्या है वो 400 से 500 है दिन में और रात में. तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस ईयरमार्क कर दी गई हैं पंजाब द्वारा भी, हरियाणा द्वारा भी. तो हरेक का राइट है, वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस कर सकता है, लेकिन हाईवेज को बंद नहीं किया जा सकता. तो फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट के आगे रखा है जी कि ये पंजाब की तरफ बैठे हैं, पंजाब इनको, पंजाब गवर्नमेंट इनको वहां से एक डेजिग्नेटेड प्लेस के लिए उठाए, हम साथ की साथ ही अपनी बैरिकेडिंग हटा देंगे, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन करना है. तो ऑनरेबल कोर्ट ने पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार दोनों को ही निर्देश दिए हैं. हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप 7 दिन में ये बैरिकेडिंग हटाओगे, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आपको परमिशन है. वट एवर प्रिवेंटिव एक्शंस यू वॉन्ट टू टेक आप ले सकते हो. ऐसी ही सिमिलर डायरेक्शंस पंजाब गवर्नमेंट को दी गई है कि वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और अगर उनकी तरफ भी कोई बैरिकेडिंग है उसको भी हटाएंगे. और किसानों को हटाने के भी आदेश दिए गए हैं जो बैठे हुए. हाँ जी, हाँ जी, वो लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज देखो अगर किसान बैठे ही रहेंगे, हम अगर बैरिकेडिंग हटा भी देते हैं तो ब्लॉकेज तो हटेगी नहीं. सो ऑर्डर्स हैं कि हाईवे को ओपन करना है. और दूसरा, हमने अपने 3 ऑफिसर्स का नाम दिया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए. लास्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने हमें बोला था कि आप अपने सीनियर ऑफिसर्स के 3 ऑफिसर्स का पैनल दीजिए, जिसमें से हम एक ऑफिसर को SIT का हेड लगाएंगे जो शुभकरण केस में इन्वेस्टिगेट को हेड करेंगे. तो उसमें हमने 3 ऑफिसर्स का नाम दिया, जिसमें से हमारे मिस्टर सतीश बालन, कमिश्नर ऑफ पुलिस झज्जर, उनको SIT हेड नॉमिनेट कर दिया कोर्ट ने.